हेलो फ्रेंड, मैं नितिन बारी टेक साइट अपने पास स्वागत करता हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आरआरबी ग्रुप डी की जो आंसर की आई हुई है उसके बाद जो उसी कट ऑफ के प्रेडिक्शन लगाए जा रहे हैं उसके बारे में। जी हाँ, आज का वीडियो उनके लिए है जिनके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स कम आए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि इस बार जो भी रिज़ल्ट आया हुआ है उससे अगर कंपेयर की जाए पिछले बार के ग्रुप डी के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से, तो पिछली बार कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गई थी, लोगों के मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन इस बार जो मार्क्स आ रहे हैं मैक्सिमम कंडीशन के 50 to 60 या 65 के बीच में ही आ रहे हैं। तो आज मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ, उन कैंडिडेट के बारे में जिनके मार्क्स 30, 35 या 50 तक, यानी कि 30 to 50 या 55 के बीच में आए, यानी कि 30 to 55 के बीच में जो भी कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स इतने आए हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ उनके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार का जो एग्ज़ाम ग्रुप डी का हुआ था उसका पैटर्न पूरी तरह से चेंज था। तो ये पैटर्न चेंज था और ये पैटर्न जो जो भी एग्ज़ाम ये कराया था TCS कंपनी ने। तो TCS कंपनी जो है मोस्टली सारे के सारे बैंक एग्ज़ाम कराती है। तो इस बार जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ उसका सिलेबस भी समथिंग मैथ रीजनिंग और जो जीए करंट अफेयर का जो सिलेबस रहा वो कहीं ना कहीं बैंक जैसा ही रहा। आप जानते हैं कि बैंक का सिलेबस तो काफ़ी लेंथी रहता है, वो सॉल्व नहीं होता है, उसके लिए एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। इसी वजह से यही वजह है कि लोगों के मार्क्स कम आए, लोगों ने प्रिपरेशन अपने पुराने सिलेबस के हिसाब से की थी और उन्हें नया सिलेबस देखने को मिला, तो इस वजह से इनके मार्क्स कम आए। ये मार्क्स लगभग लगभग सभी के कम है, हर जोन में कट ऑफ कम जाएगी इस बार। तो इसलिए मैं बात करने वाला हूँ उन कैंडिडेट के लिए जिनके मार्क्स 30 से एबव और 55 के बिलो हैं। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ उन कैंडिडेट के बारे में कि जिनके मार्क्स 30 या 35 या 40, 50 आ रहे हैं, वो कैंडिडेट परेशान ना हों, वो भी कैंडिडेट भी फाइट में हैं। क्योंकि अब की बार ऐसा हो रहा है रेलवे में कि अभी रिजल्ट जब आएगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के जब होता है उसका कुछ अलग रूल, उसका अलग रूल होता है, तो उसमें सबके मार्क्स बढ़ते हैं। उसमें मार्क्स बढ़ने का जो तरीका होता है वो होता है आपकी एक्यूरेसी पर, कि आपने जो क्वेश्चन किए आपने कितने क्वेश्चन किए उसमें से कितने कम गलत हैं। अगर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो जाएंगे या अगर आपने जिस हिसाब से अगर आपने 70 क्वेश्चन किए और आपके 45 सही हैं, 25 गलत हैं, तो आपकी जो एक्यूरेसी है काफ़ी कम है, तो आपके मार्क्स कम बढ़ेंगे। वही अगर आपने ओनली 70 क्वेश्चन किए हैं और आपके 58, 59 क्वेश्चन सही हैं, तो ये मान के चलिए आपने समथिंग समथिंग 85 या 90 के एक्यूरेसी के साथ आपने अपना पेपर सॉल्व किया, तो आपके चांस बढ़ जाते हैं, करीब 15 से 25 नंबर तक बढ़ सकते हैं आपके। तो आपको सिर्फ ये देखना होगा कि आपने कितनी एक्यूरेसी के साथ अपना पेपर किया है। तो वो सभी कैंडिडेट जिनके मार्क्स कम आए हैं, अगर उन्होंने अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रखी है, 70+ उनकी एक्यूरेसी है, तो अभी भी वो फाइट में बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि जो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो काफ़ी हाई गई थी, 84, 85, 89, तो उस बार की कट ऑफ भी इस बार के हिसाब से जो होनी है वो काफ़ी कम होनी है। तो इस बार की कट ऑफ भी कम जाएगी, हर जोन में कम जाएगी। जो भी अगर आपसे ऐसा कह रहा है कि आपके मार्क्स कम हैं, 40 मार्क्स या 42 मार्क्स हैं, तो आपका आप भूल जाइए, तो बिल्कुल भी साइड होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये एक प्रेडिक्शन है, जितने भी यूट्यूब पे वीडियो बताए जा रहे हैं मार्क्स को लेके, वो 65, 70, 75 इस तरह से बता रहे हैं कट ऑफ जाएगी, तो जो कि गलत ही है, सही हो सकता है बट बहुत ही रेयर केस में। इसलिए उनकी बातों पे ना जाएं, अफवाहों में ना पढ़ें और अपने आगे के प्रिपरेशन जारी रखें और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करें। इस ग्रुप डी के काम ग्रुप डी में कम मार्क्स आने की वजह से आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। तो इसलिए से मैं उन सभी कैंडिडेटों को कहना चाहता हूँ जिनके भी 35 से लेके 55, 58 मार्क्स बन रहे हैं, वो अभी भी फाइट में हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर उन्होंने कुछ उन चुनिंदा जोन से अपना फॉर्म फिल किया था जहाँ पे कट ऑफ मोस्टली हाई रहती है, जैसे कि इलाहाबाद, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद भी इस बार, तो वहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, लेकिन इतना नहीं कि पिछली बार की तरह वहाँ की कट ऑफ जनरल की 85 या 87, 82, 81 चली जाएगी, ऐसा नहीं जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम जब जाएगी किसी भी जोन की जहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, तो 71, 72, वरना कहीं कहीं की 35, 38, 40 भी जाएगी कट ऑफ। इसलिए जिनके 35 मार्क्स बन रहे हैं, जब नॉर्मलाइजेशन होगा, तो अगर उनकी एक्यूरेसी अच्छी है तो उनके मार्क्स 15 to 20 बढ़ सकते हैं, इससे उनका टोटल हो जाएगा 55, 57, 58। तो वो कैंडिडेट भी अभी फाइट में हैं, इसलिए बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाएं और अपनी आगे की तैयारी में अपना मन लगा के पढ़ाई करें। और जो भी अगर भी जो रेलवे का एग्ज़ाम होने हैं, लोको पायलट का या जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, उनकी अच्छे से तैयारी करें, तो लगे रहें। एग्ज़ाम अच्छा खराब तो हुआ ही करता है और किसी के बहकावे में मत आएँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी या ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।